जिस गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां से अहिंसा की शिक्षा पूरी दुनिया में फैली, जहां शांति पर आधारित एक शानदार धर्म का जन्म हुआ, उसी गया में एक क्रूर पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। उस घटना के बारे में सोचकर भी सिहरन होती है। वो चार बेटियों को जन्म देने वाली अपनी पत्नी को तब तक पीटता रहा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई, क्योंकि उस अबला की इतनी सी खता थी कि वो अपने क्रूर पति के एक बेटे की तमन्ना को पूरी ना कर सकी, जिसके एवज में उसे सजाए मौत मिली। जल्लाद पति ने मार डाला पत्नी को पीट पीट कर गंभीर रूप से किया था घायल। महिला के इलाज के दौरान मौत। चार बच्चियां मांग रही हैं मां की मौत का इंसाफ। ये चारों बच्चियां सोनाली, रिया, जिया, नैंसी अपने पिता की शिकायत को लेकर थाने पहुंची है, क्योंकि उनके पिता ने मार डाला है उनकी मां को। उनके सिर से मां का साया छीन लिया है। अब अनाथ की तरह ये बच्चियां दर दर भटक रही हैं। दुखद तो यह है कि एक दूध मुही बच्ची भी है। उस जल्लाद बाप ने आखिर उनकी मां को क्यों मारा? जब उन बच्चियों के मुंह से आप ये सुनेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। बाप की करतूत को बताते बताते इन बच्चियों का गला भी भर आता है, क्योंकि उनकी मां की खता सिर्फ इतनी थी कि वो उनके पिता को एक वारिस न दे सकी। कहाँ रहते हैं? मुबारक चल। थाना? मुफस्सिल। आपकी माँ को किसने मारा? पापा ने। क्यों? रात पर याद है कि हम मम्मी का अपने आप मारने लगे थे, मेरा भाई नहीं था इसलिए। क्या कहते थे पापा? पापा क्या करते थे? खेत। मतलब किस लिए मारा माम तुम्हारी माँ को पापा? क्या कह कर के मारते थे माँ को? जब मम्मी कहती थी कि स्कूल में फिर जमा करेंगे तो नहीं जमा करते थे, अपने आप आकर मारने लगते थे। बच्चियां अपनी आंखों देखी बाप की वो क्रूरता बता रही हैं, जिनके बारे में सुनकर भी सिहरन हो उठती है। बच्चियां बता रही हैं कि कैसे उनका जल्लाद बाप उनकी मां को बेरहमी से मारा करता था। कैसे उनकी मां अपने पति का सितम सहती थी, लेकिन बच्चियों के सामने गम छिपाने के लिए हंसती रहती थी। कैसे वो उन्हें गरीबी में भी पढ़ाती थी, जबकि बाप से एक पैसे का भी सहारा नहीं था। कैसे वो मां अपने मां होने का फर्ज निभाती थी। केस करने के लिए। किस पर? किस पर? पापा पे। कहाँ है पापा? पापा घर हैं अभी। क्या किया पापा आपके? पापा मम्मी को मारते रहते थे बिन मतलब को। तो क्या हुआ? तो बेटा नहीं रखे मैं। आप लोग के सामने मारते थे? हाँ। क्या कहते थे पापा? कि तुमको बेटा नहीं तुमको रखे मैं। क्या हुआ आपका माँ का फिर? तो फिर माँ को मारे तो पेट में दर्द उठ गया, तो दर्द को छटपटाने लगे, तो ले गए हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, नाना ये सब ले गए, और पैसा भी नहीं दे रहे थे। दरअसल 15 साल पहले किरण देवी की शादी गया के मुफस्सिल थाना इलाके के मोबारचक गांव के संतोष सिंह से धूमधाम से की गई थी, जिसके बाद किरण ने 4 लड़कियों को जन्म दिया, जिनके नाम सोनाली, रिया, जिया और नैंसी हैं। लेकिन संतोष सिंह को संतोष कहां था, उसे तो एक लड़के की लालसा थी जो किरण उसे न दे सकी। रोज की मारपीट और चिकचिक होती रहती थी। एक दिन संतोष ने चारों बच्चियों की मां पर सोते वक्त हमला कर दिया, उसके पेट में चोट आई। किरण का पिता उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया।
लेकिन इलाज के दौरान किरण की मौत हो गई और चारों बच्चियों के सिर से मां का साया उठ गया। सर कि 15 बरस पहले अपना बहन को हम शादी किए थे बहुत धूमधाम से। कहाँ किसके? मुबारक चक संतोष सिंह, जनार्दन सिंह का बेटा हुआ, थाना मुफस्सिल जिला गया का। क्या हुआ उसके बाद? मेरा बहन को जब चारों बच्ची लगातार चार को बच्ची जन्म ली, उसके बाद जो मेरा बहन को रात दिन माने प्रताड़ित घर में करने लगा, उसका बहन भी, बाप भी, मर्दाना भी, सब रात दिन प्रताड़ित करने लगा। क्यों? कि मेरा वंश नहीं चलेगा इसको से, अब हमको जान मारेंगे तब दूसरा हम शादी करेंगे, इसको रहते भर में तो हमको शादी होगा नहीं। उसके बाद किसी बहाना से रात दिन मारपीट करने लगा डेली। अचानक एक बार रात में कोठा पर सोए हुए थी और कोठा पर सोई हालत में नींद पड़ा हुआ था, उसी समय लात से जहाँ तहाँ मार दिया। अचानक पेट में दर्द उठा, बेहोश की स्थिति में हम लोग उसको टांग खबर हुआ, हालांकि टेम्पू पर लादे हैं बेहोश स्थिति में, मगध मेडिकल लाए, मगध मेडिकल के बाद पटना ले गए, पटना में जाके मर गई। चारों बच्चियां अब अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती हैं, वो अपने मामा के पास ही रहती हैं। मामा का कहना है कि उनका पिता बच्चियों के नाम प्रॉपर्टी कर दे ताकि उनका भरण पोषण किया जा सके। आता था। अभी बच्ची कहाँ रहते हैं? बच्ची मेरे पास अब नहीं जाने के लिए तैयार है एकदम नहीं, कि हमको भी जान मार देगा एकाकी करके। इनका पापा वहीं है। क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं, खेती करता है। कितना खेती है? 20-25 बीघा उसके पास खेती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसका जो भी प्रॉपर्टी है चारों बेटी के नाम पर अगर नहीं लिखेगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे यार, बस हम लोग यही चाहना है। चारों जो भी संपत्ति है चारों बेटी के नाम पर लिख दे, बस काम खत्म सर, हम लोग का यही प्रार्थना है। बच्चियों के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आरोपी पिता को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकायत हुई है कि एक महिला है, उन्होंने 4 बच्चियों को जन्म दिया और उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है उसके फलस्वरूप उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसका सूचना जो है माँ के पक्ष को ना देते हुए उनकी जो बॉडी थी उसका दाह संस्कार किया गया है। सूचना मिलते ही संबंधित थाना जो है उसको प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई जो है शीघ्रातिशीघ्र जो है गति से करने का निर्देश दिया गया है। प्रताड़ना का आरोप जो है वो अत्यंत गंभीर आरोप है और सभी पहलू जो भी दिए जा रहे हैं आवेदन में या जो बच्चियों द्वारा बताए गए इस पे पूर्णता गहराई से अनुसंधान होगा और अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई। वंश बेल को बढ़ाने के लिए एक पति कैसे इतना हैवान बन गया कि अपनी 4 बेटियों का भी उसने नहीं सोचा? क्यों बेटे के लिए वो इतना अंधा हो गया कि अपनी ही जीवन संगनी का कातिल बन गया? आज बेटियां किसी बेटे से कम नहीं, वहीं जब आरोपी पति घर पर मौजूद है तो क्यों अब तक वो खुला घूम रहा है? क्यों पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही? गुनाह के लिए गया से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।